वोट किसको देना है इस बार? जो खुश रहेगा उसी को देंगे। किसको? ये ना मोदी जी के। मोदी जी को ले, देखिए एकदम खुश है मोदी जी से एकदम। हाँ ठीक है, और कुछ? मजदूरे सब है, गरीब आदमी है, कुछ नहीं है, इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला है। इंदिरा आवास भी नहीं? कुछ मिला? नहीं। मोदी जी कह रहे हैं सबको पक्का मकान दे दिए। चलिए ना दिखा देते हैं। दिखा दीजिएगा। चलिए दिखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के तरफ से सब कुछ मिल रहा है? पैसा वैसा मिलता है? कौन पैसा मिलता? नहीं कौन पैसा। खाना पीना कुछ दाना वाना मिलता है कि नहीं? वही देता है 5-4 किलो के दाना। 5 किलो में 4 किलो मिलता? 4 किलो मिलता है। मोदी जी को देखने आए हैं? तो मोदी जी तो आज अभी नहीं करेंगे, जो आएगा उसको, जो आएगा उसी को देख लीजिएगा। ये सही मणिपुर का असलियत क्या है जो वहाँ पर तो नहीं पता है, जो हमारे पड़ोसी देश में हमारे साथ डिस्टर्ब करवा रहा है? कौन सा देश? वो जो मणिपुर के बगल में जो अथी है, कौन देश? बंगला क्या है ये? ये बर्मा है कि कौन है? बांग्लादेश, चाइना? नहीं नहीं नहीं, चाइना के बगल में जो है, चाइना भी थोड़ा आता है। अच्छा। और एक मतलब भारत संभल नहीं रहा है देश के प्रधानमंत्री से? संभल रहा है, ऐसा बात नहीं, नहीं संभल, नहीं संभल रहा है तो विश्व गुरु का होने जा रहा है जो बिना संभाल लिए। आपको सफलता के लिए किताब से होके गुजरना पड़ता है, उसी हिसाब से इंसान को स्वतंत्रता के लिए बीजेपी से होके ही गुजरना पड़ेगा। ये मेरा स्वतंत्रता की जरूरत है अभी लग रहा है आपको? बिल्कुल जरूरत है। नंदन कांवर। कहाँ से आए हैं? रेहिका से। कहाँ आए हैं? देखने के लिए। किनको? ये नेताजी जो आ रहा है उसको। कहाँ आए हैं? कोई बोला आने के लिए? अपने मन से आ गए? अपने मन से आए हैं। मन से आ गए? कहाँ है नेताजी को कहाँ सुना है इतना भव्य गर्मी में? क्या है गर्मी है क्या चाची? खुश हैं सरकार से? हाँ खुश है। क्या सब काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या सब काम हुआ? बहुत कुछ हुआ है। एक आध को बताइबो कीजिएगा, हम लोग को भी तो पता चले। हाँ हाँ बहुत काम किया है नरेंद्र मोदी, बहुत काम किया है। क्या सब काम हुआ? बहुत किया है। क्या नाम है चाची? कहाँ से आए हैं? कहे आए हैं? नहीं जाए देखने के लिए। देखने के लिए किसको? मोदी को। मोदी को? मोदी जी को देखने आए हैं? तो मोदी जी तो आज अभी नहीं करेंगे, जो आएगा उसको, जो आएगा उसी को देख लीजिएगा। ये सही है। तो कहाँ से आए हैं? रायके से। हैं? रायका। रायका से ऐसे ही पैदल आ गए? खुश हैं? सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है देश में? सब ठीक है। ठीक है सब? आप लोग को प्रधानमंत्री के तरफ से सब कुछ मिल रहा है? पैसा वैसा मिलता है? कौन पैसा मिलता? नहीं कौन पैसा। खाना पीना कुछ दाना वाना मिलता है कि नहीं? वही देता है 5-4 किलो के दाना। 5 किलो में 4 किलो मिलता? 4 किलो मिलता है। अच्छा। पैसा वैसा नहीं लेता है लेकिन? नहीं। बाल बच्चा है? है नहीं। नौकरी चाकरी कर रहा है सब? कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं कर रहा। सरकार की तरफ से नौकरी नहीं मिला? कुछ नहीं, कहाँ मिला है लेकिन? बेरोजगार सब है, मजदूर सब है, क्या करें? क्या अभी यहाँ आए हैं तो अपने मने से आगे घूमते फिरते? हाँ घूमते फिरते। चलिए अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? नौकरी चाकरी दिया जाए? नौकरी तो पढ़ा लिखा रहेगा तब न होगा। नहीं पढ़ा लिखा? नहीं मजदूरे सब है, गरीब आदमी है, कुछ नहीं है, इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला है। इंदिरा आवास भी नहीं? कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे हैं सबको पक्का मकान दे दिए। चलिए ना दिखा देते हैं। दिखा दीजिएगा। चलिए दिखा दे रहे हैं। फटा हुआ घर है उस पर फूटा हुआ एल्वेस्टर सब दिए हुए हैं बाल बच्चा को लेके। अप्लाई किए हैं? बोले हैं बहुत अप्लाई किए, सही नहीं हो रहा है, कहाँ दे रहा है, क्या करे? हकीकत असल में ये है, नेताजी सब बहुत दावा करते हैं सबको पक्का मकान दे दिया। सबको दे दिया रे काम में, देखिए ना। नहीं दिया है? नहीं दिया, जो उसको दिया है दिया है, जिसको नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या करे? कहाँ कहाँ गए? किसी के पास गए थे? यही ब्लॉक में अप्लाई सब किए हैं लेकिन नहीं मिलता। नहीं मिलता, क्या करे? चलिए वोट किसको देना है इस बार? जो खुश रहेगा उसी को देंगे। किसको? ये ना मोदी जी के। मोदी जी को ले, देखिए एकदम खुश है मोदी जी से एकदम। हाँ ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? भाग कह रही हैं, देख लीजिए निकल लिए। और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? लाल साहु। कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। भवानीपुर से कहाँ आए हैं? आए हैं मीटिंग में। मीटिंग में? किसके मीटिंग में? अमित शाह का मीटिंग में।
अमित शाह के मीटिंग में। खुश हैं अमित शाह जी के जी रात से? जी जी खुश है। काहे खुश है? इसलिए कि हम लोग का शांति वातावरण है, बीजेपी की राज मोदी जी की अति में बहुत शांति है, आतंकवादी पर कंट्रोल हुआ है। और लोग कहता है महंगाई महंगाई महंगाई, कहाँ है महंगाई? हम पूछते हैं 20 साल पहले जो महंगाई था, जो एक आना दो आना का सामान लेने के लिए लोग जाता था, अब भीख मंगा भी जाते हैं तो हमको पोलोथीन का तेल चाहिए, महंगाई कहाँ है? पैसा भी तो हमको बढ़ा है, जहाँ पर 10 रुपया मिलता था अभी हम 500 रुपया कमा रहे हैं। पहले जी अमेरिका का नाम सुने हैं? जी जी। पहले भारत का, अमेरिका का एक रुपया भारत का 45 रुपया होता था, 40 रुपया होता था। जी जी। अभी 85 रुपया हो गया, 83 रुपया। हाँ तो कहाँ महंगाई है? महंगाई तो विकास लग रहा है आपको ही? जी तो विकास नहीं है, 45 के बदले अब 83 हो गया तो अच्छा लग रहा है। और 2 रुपया के बदला 5 रुपया कमा रहे हैं, सो नहीं हुआ? पहले 2 रुपया हमको मिलता था मजदूरी, अभी हमको 450 रुपया मजदूरी, वो नहीं महंगाया है? अच्छा है, वो वहाँ पर नहीं ध्यान है हमको? नहीं तो आप विश्व लेवल पे अगर बात करिएगा जी, मान लीजिए पहले भारत का एक, अमेरिका का एक रुपया भारत का 40 रुपया होता था जी, अभी 85 रुपया होता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भारत विश्व में विकास कर रहा है? तो विकास नहीं कर रहा है, ये वहाँ तो सोच रहे हैं, यहाँ नहीं जमीन पर सोच रहे हैं। जो हमारे सेना को बॉर्डर पर गर्दन काट कर लेकर चला जाता था, हमारे ही देश के सेना को 300 किलो RDX से पिछले दिनों याद है उड़ा दिया गया। कहाँ से आया था RDX पता चला? पता वो तो जो जो पता चलाने वाला वो है ना अपना, उनका ब्यूरो है। नहीं पता चला, सोचे कभी इस बारे में सोचने की कोशिश किया कि मोदी सरकार में किसी और मुल्क से, या तो पाकिस्तान से आया होगा या भारत से आया होगा, दोनों में से कहीं जगह से आया होगा ना, तो कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला, काहे नहीं पता चल पाया? वो तो सरकार का जो कारण हो उससे नहीं पता है कि जांच पड़ताल नहीं हो पा रहा है सही से, नहीं नहीं, नहीं संभल रहा है। जांच पड़ताल तो हो रहा है, बहुत पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया? बहुत कहां पकड़ाया, आज तक नहीं पता। नहीं एक घटना बता रहे हैं ना, और 100 घटना पर ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है? किस तरह पत्थरबाजी पर लगा है कि नहीं लगा है? जो सेना पर पत्थर मारता था वहाँ स्वतंत्र है कि नहीं है? हमारे भारतीय सेना को गर्दन काट कर भाग जाता था सिर लेकर, वो कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ? मणिपुर का नाम सुने हैं? मणिपुर पहले यहाँ आइए, कश्मीर आइए, जो 300 कश्मीर जा रहे हैं मणिपुर में नहीं जाइएगा? मणिपुर में ही जा रहे हैं। मणिपुर का असलियत क्या है जो वहाँ पर तो नहीं पता है, जो हमारे पड़ोसी देश ने हमारे साथ रजिस्टर करवा रहा है? कौन सा देश? वो जो मणिपुर के बगल में जो अथी है, कौन देश? बंगला क्या है ये? ये बर्मा है कि कौन है? बांग्लादेश, चाइना? नहीं नहीं नहीं, चाइना के बगल में जो है, चाइना भी थोड़ा आता है। अच्छा। और एक मतलब भारत संभल नहीं रहा है देश के प्रधानमंत्री से? संभल रहा है, ऐसा बात नहीं, नहीं संभल, नहीं संभल रहा है तो विश्व गुरु का होने जा रहा है। जो बिना संभाल लिए तो आपका सब परिवार में बच्चा एक रंग है, सबको खुश कर पाते हैं आप? सबको खुश कर पाते हैं? अपना देश जल रहा है 7 महीना से 6 महीना से, कहीं नहीं जल रहा है। कौन कह रहा है जल रहा है? ये विपक्षी का ये अति है। मणिपुर से जो फोटो आ रहा है फर्जी है? एकदम फर्जी है। वो आपको घटना हुआ है 10 दिन मतलब 1 जनवरी में, वो आपको दिखा रहा है अप्रैल मई में फोटो ले लेकर बुआ रहा है, ये सजाज नहीं है, ये फर्जी फर्जी कहानी सब विपक्ष वाला सब ये क्या क्या नहीं दिखा रहा है? आपका क्या नाम है? मोहन कुमार। कहाँ से आए हैं मोहन जी? भवानीपुर से। कितना नौकरी लग रहा है कि मोदी सरकार जो वादा किए 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देंगे, क्या लग रहा है कितना दिया गया? सर पहले बनने तो दीजिए। क्या बनने? लेकिन पहले मोदी जी का तो सरकार आना चाहिए महाराज, 10 साल से सरकार है। 70 साल मेरे बात को ध्यान से सुनिए, आप पहले आने तो दीजिए फिर देखिए आगे। 10 साल से तो थे वही, तो उसी का तो हिसाब मांग रहे हैं। तो 10 साल में आपको कुछ दिखाई नहीं लग रहा है? 20 करोड़ नौकरी मिला? 20 करोड़ नौकरी नहीं बिहार कैसे रहा है? एक एक मिनट, 20 करोड़ नौकरी को आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं? अरे मोदी जी वादा किए थे तो जो चीज प्रधानमंत्री वादा करेगा उसी पर ना सवाल होगा भाई। मोदी जी बोले हम हर साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, जैसे तेजस्वी बिहार में बोला था कि भाई हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो अपना वादा दावा करते हैं कि हमने जो है 5 लाख दे दिया। उनका छोड़ दीजिए, मोदी जी का बात करेंगे, प्रधानमंत्री क्या लगता है? उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे, विश्वास है, इसी विश्वास से सारा देश उसके तरफ झुकाव दे रहा है। आपको लगता है ना कि नौकरी अभी नहीं दिया गया? नौकरी कैसे नहीं दिया गया? किसने कहा नौकरी नहीं दिया? वही तो पूछ रहे हैं, अब हम बताते हैं। आप कह रहे हैं कि नौकरी दिया कि नहीं दिया? एक वेबसाइट है सरकारीreal.com, आप खोलिए, हर डिपार्टमेंट में नौकरी निकल रहा है। आप खोलिए, अभी खोलिए, मोबाइल है
की है। खोलिए, दिखाइए हमको कितना सरकारी नौकरी का खुला हुआ है। मैं अभी नहीं खोल सकता, मेरे फोन का बैटरी। मैं खुलवाऊँ अपना? दूँ? खोलिए ना। चलिए देखते हैं कितना नौकरी है, आज हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। चलिए ये मोबाइल निकालते हैं। कौन सा वेबसाइट कह रहे हैं? ठीक, उस पर आपको क्या लगता है? चलिए हमको भी पता चल जाए भाई। सरकारी नौकरी, सरकारी रिजल्ट। एक सेकंड, नेटवर्क को ऑन कर लें। चलिए भाई, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फर्जी दावे चल रहे हैं। ये सरकारी रिजल्ट है ना? चलिए, इसे आपको ही पता होगा, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं, उनका धर्म है। हमारा तो काम है ना भैया। चलिए लेटेस्ट जॉब में चलते हैं, ये देखते हैं। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, अभी करेक्शन चल रहा है, ठीक है। यूपीएससी एनडीए है, आर्मी में 10+2 टीएस, 52 को सीट है। ये नौकरी नहीं तो क्या? हाँ तो देख लेते हैं ना कितना सीट है। सीट पे मत जाइए आप, पहले उसको देखिए कि आप कितना नौकरी उसे शो कर रहे हैं। महाराज इतना बड़का देश, मान लीजिए 50-50 को नौकरी का आप 200 दिखा दीजिएगा तो उतना में तो 2000 नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए, आपकी 50 को नौकरी है, इतना बड़ा देश है। ये एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई ऑनलाइन फॉर्म 2024, ये क्या है? क्लिक कीजिए ना उस पर। देखिए कितना है वैकेंसी, कितना है वो भी देखिए। सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि रेलवे में कितना नौकरी आया, सरकारी नौकरी का मतलब होता है एसएससी में कितना नौकरी आया। ये एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप ये नौकरी नहीं है। कितना है देखिए ना उसमें। सीट देखिए ना कितना है, और ये भी देखिए कि क्या गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब है। सरकार जॉब जो निकालती है वो कितना निकालती है? चलिए खैर, आपको लगता है कि देश में जॉब मिल रहा है? देखिए देश में जॉब मिल रहा है, ठीक है। और एक ही जो है पूरे देश को एक ही साथ जॉब दे दिया जाए तब जाके आप बोलेगा जॉब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जिस हिसाब से पिछले जो रिटायरमेंट ऑफिसर है, रिटायरमेंट सर है, रिटायरमेंट कुर्सी है, उसको जब हटता है या फिर रिटायर होता है तो जिस हिसाब से खाली उसी हिसाब से भर्ती होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जितना आपके पेट में भूख लगे उतना ना खाना खाएगा, 4 दिन का खाना एक ही साथ तो नहीं। वैकेंट तो बहुत सीट है अभी, जैसे मान लीजिए कि लगभग माना जा रहा है कि 30 लाख के आसपास सीट वैकेंट है, लेकिन नौकरी नहीं दिया जा रहा, तो लोग थोड़ा परेशान है। लेकिन बाकी आपको लगता है काम हो रहा है? हमारा बस सुनिए, आप मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 लाख की बात आप किए हैं, एक ही बार में 30 लाख कैसे दिए, आप ही जरा बताइए। यहाँ पे हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है, और केंद्र में हो, विधानसभा में हो या राज्यसभा में, जो वो बहुत माथा वाले लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, वहाँ दिमाग लगाना पड़ा। दिमाग लगाने वाला वहाँ बैठा है। चलिए ठीक है, हम समझ गए आपकी बात, समझ गए। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से इंसान को सफलता के लिए किताब से होके गुजरना पड़ता है, उसी हिसाब से इंसान को स्वतंत्रता के लिए बीजेपी से होके ही गुजरना पड़ेगा। ये मेरा स्वतंत्रता की जरूरत है अभी लग रहा है आपको? बिल्कुल जरूरत है। नहीं नहीं, इतना बार करवाइए। सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा कहने का मतलब था कि पब्लिक को या इस देश के पब्लिक को, जनता को बीजेपी से होके ही गुजरना पड़ेगा। चलिए ठीक है।